उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने थाना शुकहाबाद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी व्यवस्थाओं को परखा तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने SHO और स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन हम उस परंपरा के अनुयायी हैं कि थाने का निरीक्षण अच्छी तरीके से हो, थाने का रख रखाव वहाँ पे वहाँ का जो भोजनालय कर्मचारी से वार्ता परिसरों में इंद्राज अगरवाड़ी की सफाई पूरे परिसर का भ्रमण करके मैंने देखा है और कुछ कमियाँ पाई हैं उसकी तरफ मैंने इनको एजुट किया है। अखलों की सफाई है कि हमें छोटा है थाना शिकोहाबाद और फिरोजाबाद के पैरल कस्बा है लेकिन थाना पर से बहुत छोटा है। जैसे अभी कुछ साथियों ने बताया कि बगल की जमीन है इसके अपार्टमेंट पड़ी हुई है चिकित्सा विभाग की है तो उनको अगर यूज ना होगा तो हम डीएम साहब से प्रोसेस करके बात करके इसको अपने में ले लेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे पुलिस का परिवार भी बढ़ेगा जैसे सबका परिवार बढ़ता पुलिस का भी बढ़ेगा। तरह तरह की योजनाएँ आ रही हैं जैसे अभी महिला हेल्प डेस्क लगाई है मैंने और कर्मचारी बढ़ रहे हैं इतने कर्मचारी बढ़ रहे हैं तो बैरक्स बननी होगी और भी कोई तमाम तरह की साइबर सेल है साइबर थाना है बहुत सारी बातें हैं तो ये जमीन मेरी समझ से हम लोग कोशिश करेंगे इसको ले लें। थाने कैंपस हमको बहुत खींचा छोटा सा लगा जिस लेवल का थाना शिकोहाबाद है उस लेवल का यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है मेज बहुत छोटा सा है और मालधाने में जगह कम है गाड़ियों को रखने की जगह कम है तो बेसिक कमी हमें जगह की मिली यहाँ पे। बाकी अखड़ाओं का निरीक्षण किया मैंने और इसरो में कुछ इंद्राज करने में कमियाँ हैं कुछ कोताही है उस हम लोग मिल के ठीक करेंगे इसको। तो ये जो मैसेज होता है SP के आने का थाने पे कि पूरा कोना कोना साफ हो जाए और केवल सफाई नहीं हमारे अभिलेखों की सफाई हो जाए असड़कों की सफाई हो जाए लोगों से वार्ता हो जाए कहाँ पे गैप हो रहा है पब्लिक की बात सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है पब्लिक आने में संकोच तो नहीं कर रहा है दलाली तो नहीं चल रही है ऐसा तो नहीं है कि चार ही आदमी से बात हो रही हो बाकी छूट गए हो चार ही सिपाही काम कर रहे हो बाकी सिपाही एकदम हो रहे हो बहुत सारा कंसर्न होता है थाने पे आने का। उस लिहाज से हम यहाँ पे आए हैं बाकी सब सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हैं कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा सा इसे और सुंदर स्वरूप देने की ज़रूरत है एक तरह से खूबसूरती बना करने की ज़रूरत है व्यवहार में काम में साफ सफाई में परिसर में असलहे में हर चीज़ तो वो हम लोग बात कर रहे हैं वो कराएंगे कोशिश करेंगे कि एक अच्छा माहौल मिले कोई पीड़ित व्यक्ति कहीं भी ना जाना चाहे भाग के थाने आना चाहे कि चलो थाने चलते हमारी मदद हो जाएगी उस तरह का एक वातावरण देने की कोशिश करें। ठीक है।